उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा स्थित बाटनीरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में लश्करे तैयबा के कमांडर सहित दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान कर ली गई है। इन आतंकियों ने भाजपा नेता शेख वसीम बारी, उसके भाई उमर सुल्तान और पिता बशीर अहमद शेख की गत 8 जुलाई 2020 को हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान आजाद शाह और आबिद हक्कानी के रूप में हुई है। आतंकी आबिद लश्करे तैयबा संगठन का जिला कमांडर था। दोनों मारे गए आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू में बड़ी वारदात को अंजाम देने और आतंकियों के लिए ठिकाने बनाने के मकसद से जम्मू आए द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के एक आतंकी को जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि आतंकी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आतंकी के कब्जे से एक पिस्टल और पिस्टल के राउंड्स बरामद किए गए हैं। ये आतंकी सुबह जम्मू रेलवे स्टेशन पर रैकी करने आया था। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की SOG टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष चंदन दत्ता ने UPSC में 146वें रैंक के स्थान पहले प्रयास में इस प्रतिष्ठित परीक्षा पास करने के लिए युवा सुचेतर की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। सुचेतर जम्मू के युवाओं के लिए प्रेरणा है। श्रीनगर का आसमान आज जीवंत हो गया क्योंकि इसने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष में चल रहे समारोह के हिस्से के रूप में डल झील के साथ एयर शो की मेजबानी की। भारतीय वायुसेना स्टेशन श्रीनगर व जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से आयोजित किए गए इस एयर शो का संचालन किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने SKICC से इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। वहीं इस मौके पर IF के राजदूत सूर्य किरण द्वारा 14 साल बाद एरोबैटिक डिस्प्ले का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में भारतीय वायुसेना के विभिन्न विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट किया गया। इस शो में सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चे शामिल हुए। उपराज्यपाल के सलाहकार बसीर अहमद खान ने ग्रीष्मकालीन राजधानी में एक प्राइवेट स्कूल में महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सलाहकार बशीर खान ने कहा कि ये पूरे केंद्र शासित प्रदेश के लिए बड़ा क्षण है। एकेडमी में नए क्रिकेटरों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक आदर्श कोचिंग स्थल प्रदान करेगी और विश्व विख्यात क्रिकेटर MS धोनी की देखरेख में और विशेषज्ञ कोचों की निगरानी में कश्मीर के युवा क्रिकेटर प्रतिभाएं तैयार होंगी। आज के दौर में मोबाइल सबकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है। गांव कस्बों में भी मोबाइल फोन हर एक की जरूरत बन गया है। कोरोना काल में यही मोबाइल स्कूल चलाने के काम आया है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल फोन से ही चल रही है। यही मोबाइल अब बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। शहरों की बात छोड़े अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे अधिकांश समय मोबाइल पर ही बिता रहे हैं। खासकर ऑनलाइन गेम्स खेलने के चक्कर में बच्चे खेल के मैदान से दूर होते जा रहे हैं। आजकल बच्चे फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी मोबाइल पर ही खेल रहे हैं। इसको रोकना होगा अन्यथा बच्चे मानसिक रोगी भी बन सकते हैं। जम्मू में आजकल विभिन्न इलाकों में सड़कों का कार्य किया जा रहा है। किसी भी तरफ निकल जाओ चमचमाती सड़कें देखने को मिलेंगी। इसी क्रम में जम्मू नगर निगम ने वार्ड नंबर 9 में तारकुल बिछाने का कार्य शुरू किया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद सुनीता रैना ने इस कार्य का उद्घाटन किया। जम्मू संभाग के विकसित पर्यटन स्थल पत्नीटॉप की हसीन वादियों में पहली बार मानसून फेस्टिवल का सैलानियों ने खूब लुत्फ उठाया। वीकेंड के मौके पर आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम का मुख्य मकसद सैलानियों को आकर्षित करना और पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना है। पत्नीटॉप में देश के विभिन्न हिस्सों के सैलानियों ने इसका मनोरंजन किया। परोड़ा ग्राउंड पर आयोजित इस कार्यक्रम में पत्नीटॉप का हर कोना गुलजार नजर आ रहा है। दो दिवसीय मानसून फेस्टिवल में गायकों ने एक ही से बढ़कर एक गाने की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मानसून फेस्टिवल के दौरान पहुंचे सैलानी भी इस आयोजन से काफी खुश नजर आए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पूर्व मंत्री व उपाध्यक्ष एजाज खान ने आज बनिहाल का दौरा किया। वहीं इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समाधान है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी
अन्य राजनीतिक दलों की तरह नहीं है जो केवल लोगों को गुमराह करे और झूठे वादे और आश्वासन दे। विजयपुर में अपनी पार्टी द्वारा ओबीसी वर्ग की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक ओबीसी कोऑर्डिनेटर मदनलाल चलोत्रा की देखरेख में हुई। इस बैठक में अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान व पूर्व मंत्री मंजीत सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस बैठक के दौरान ओबीसी को आ रही समस्याओं को सुना। वहीं इस दौरान ओबीसी वर्ग जिला इकाई बनाई गई। इस मौके पर कृष्ण चंद को जिला प्रधान घोषित किया गया। वहीं मंजीत सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को राजनीति व नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। सांबा सोशल क्लब द्वारा सांबा पुलिस एवं जिला अस्पताल सांबा के सहयोग से शहीद अरुण खेत्रपाल मेमोरियल पार्क सांबा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में युवाओं ने रक्तदान किया।